और आज अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हिंदुओं की 500 साल की तपस्या का रामलला का ये भव्य मंदिर साक्षी बना है। क्या अद्भुत नज़ारा है, क्या अद्भुत रामलला की मूर्ति है। और इस दौरान उन्होंने और संतों ने प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी शंकाओं का भी समाधान किया। इस वक्त हम गुजरात से संतों के समूह के साथ खड़े हैं और करीब स्वामी नारायण मंदिर से हैं और शंभुनाथ जी हैं, आप दो दो बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, मौजूदा विधायक भी हैं और एक 1100 साल पुरानी गद्दी के महंत हैं। तो स्वामी नारायण मंदिर पूरी दुनिया में सनातन की अलग जगा रहा है, तो सनातन का ये उत्सव देख करके आप क्या कहेंगे? 1000 साल की आज दजा पहरी है। ये जो सूरज आज का साक्षी बना है वो हिंदुओं की 500 सालों की तपस्या का साक्षी बना है। क्या अद्भुत दृश्य था, क्या अद्भुत भगवान रामलला की मूर्ति है। एक नया युग शुरू होने जा रहा है। 500 साल के कलंकित इतिहास को मिटा करके आज भारत ने एक नई पहल शुरू की है। सभी मतपंथों से ऊपर उठ करके भारत से लगभग तकरीबन 150 पंथ संप्रदाय से संतगण आए, उनकी उपस्थिति में आज भगवान रामलला निज मंदिर में विराजमान हुए हैं। तरह सबको समाहित करता है सनातन, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सनातन में षड्दर्शन का विचार है और षड्दर्शन का जो विचार है वह मूलतः उसमें से पहले चार जो दर्शन है वह निरक्षरवादी है। तो ईश्वरवाद के संकेत में साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण उपासना पद्धतियां यहाँ सनातन में है। तो उसके लिए तो क्या है, स्थापना करनी होती है, प्रतिमा जी की होती है, वह उनकी पूजा होती है, सगुण है। कोई भगवान को सुलाएगा, जगाएगा, नहलाएगा, अपने मन से जो भाव है वो व्यक्त करेगा। तो आज पूरा देश भाव से भरपूर, तरबतर भाव विभोर है और मैं खुद, मेरा रोम रोम आज पुलकित है और इतना हर्ष पुलकित है कि मेरा रोम रोम थरक रहा है। तो ये थे शंभुनाथ जी महाराज जी, जिन्होंने विवादों पर और मौजूदा माहौल पर, आध्यात्मिक और राजनीतिक चेतना पर हमसे बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंसल न्यूज के लिए रामलला मंदिर से सुनील सिंह बघेल। तो यहां पर रुकेंगे।